चाबी हम यहाँ कर चुके हैं। व्यवहार नय के भेद प्रभेद ये प्रकरण यहाँ से हमको शुरू करना है। पेज नंबर है 115 है। यदि किसी को पिछली बातों में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो जो प्रश्नोत्तर जो अपन लिख रहे थे ना, प्रश्न कहाँ तक लिख लिए थे तुम लोगों ने याद करने के लिए? है कुछ सामने? बस निश्चय ने भेद प्रभेद वाले प्रश्न नहीं हुए। हाँ लिख भी रहे हैं कि नहीं आप लोग? गुमट सार तो हो गया ना। करते नहीं हो ना तुम लोग, करते नहीं हो तुम लोग। चलो गोमट सर का अच्छा हो गया पेपर। ये खराब बोल रहा है, खराब हुआ। चलो कोई बात नहीं, देखो पेज नंबर 115 खोलो। अच्छा चलो ठीक। निश्चय व्यवहार स्वरूप स्पष्ट करते समय यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि व्यवहार नय का कार्य एक अखंड वस्तु में भेद करके तथा दो भिन्न वस्तुओं में अभेद करके वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करना है। व्यवहार नय की इसी विशेषता को लक्ष्य में रखकर उसके दो भेद किए जाते हैं, एक सद्भूत व्यवहार नय और दूसरा असद्भूत व्यवहार नय। समझ में आ गई होगी बात? व्यवहार नय एक अभेद अखंड वस्तु में भेद करने का काम भी करता है और दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को अभेद करने का काम भी करता है। माने भिन्न भिन्न वस्तुओं में कर्ता कर्म आदि का कथन भी कहता है और एक ही वस्तु में भेद करके भी बात कहता है। जब व्यवहार एक ही वस्तु के भीतर लागू होता है तो उसे सद्भूत व्यवहार कहते हैं। सद भूत, सत माने वस्तु, सत द्रव्य लक्षणम, सत वस्तु का लक्षण है, वस्तु ही सत है और भूत माने होना, तो सद्भूत व्यवहार ऐसा व्यवहार जो सत भूत है, वस्तु में है, एक ही वस्तु में है, वस्तु की मर्यादा के बाहर नहीं है, वो सद्भूत कहलाएगा। माने एक वस्तु में गुण भेद, प्रदेश भेद, पर्याय भेद, उनका कर्ता धर्ता आदि कहना, मैं ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का कर्ता धर्ता हूँ, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, इस तरह कर्ता कर्म आदि का भी भेद देखना, ये सब व्यवहार नए हैं लेकिन सद्भूत व्यवहार नए। जब असद्भूत की बात कही जाती है तो अ माने नहीं, सद्भूत जो वस्तु में नहीं है वो असद्भूत। शरीर का कर्ता धर्ता कहना, पर पदार्थों का कर्ता धर्ता कहना, दुकान चलाता हूँ, बिजनेस चलाता हूँ, काम करता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सुनता हूँ, सुनाता हूँ, ठीक है ना, एग्जाम देता हूँ, ये सब काम क्या है? असद्भूत व्यवहार। इन सब को देखने वाली श्रुत ज्ञान की पर्याय असद्भूत व्यवहार नहीं कहलाएगी। शब्दों को देखते चलेंगे तो स्वरूप स्पष्ट होता जाएगा। सद्भूत और असद्भूत, तो सद्भूत जो भी व्यवहार हो वो वस्तु में लागू होगा तो सद्भूत है और वस्तु की सीमा के बाहर होगा तो असद्भूत है। ये व्यवहार नय की परिभाषाओं में भी बात आई थी। यदि हम उदाहरण पूछें आपसे कि उद्धरण देकर व्यवहार नय का स्वरूप स्पष्ट करें तो आप 7वीं और 27वीं गाथा का उदाहरण देकर के भी व्यवहार नय को स्पष्ट कर सकते हैं।
हम यदि आपसे ये पूछें कि समय सार की गाथा प्रस्तुत करते हुए सद्भूत और असद्भूत व्यवहार ने का स्वरूप स्पष्ट करें, तो आप कह सकते हैं आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र ये भेद करना सद्भूत व्यवहार है, सातवीं गाथा प्रस्तुत कर दी, और शरीर और आत्मा को एक कहना यह असद्भूत व्यवहार है, यह 27वीं गाथा प्रस्तुत कर दी। ठीक है, मैंने 7वीं गाथा में भेद रूप व्यवहार को बतलाया और 27वीं गाथा में दो द्रव्यों के अभेद करके व्यवहार ने के असद्भूत पने को बतलाया। दो हो गए नाम, मैंने व्यवहार ने का स्वरूप जिनको स्पष्ट होगा उनको सद्भूत और असद्भूत भी स्पष्ट हो जाएंगे। कठिन नहीं है नाम, सद्भूत और असद्भूत नाम तो सबके सुने हुए हैं, कोई ऐसा जिसने नहीं सुने हो सद्भूत असद्भूत नाम? व्यवहार ने के दो भेदों के नाम जिसे याद नहीं हो, सबको याद है? देखो इस संदर्भ में आलाप पद्धति का निम्न कथन द्रष्टव्य है। व्यवहारो द्विविध है, सद्भूत व्यवहारो असद्भूत व्यवहारश्च, तत्रेक वस्तु विषय है सद्भूत व्यवहार है, भिन्न वस्तु विषयो असद्भूत व्यवहार है। इतना सरल, उनकी संस्कृत भी कितनी सरल है, माने संस्कृत नहीं जानने वाला व्यक्ति भी ऐसी संस्कृत का अर्थ आसानी से कर सकता है। आप लोग तो सब संस्कृत पाठी विद्वान हैं। क्या कहा यहाँ, तत्र एक वस्तु विषय है सद्भूत व्यवहार है, कितना सुंदर है, एक वस्तु के विषय में सद्भूत व्यवहार नहीं और भिन्न वस्तु विषय असद्भूत व्यवहार है। जहाँ वस्तुएं भिन्न भिन्न हो वहाँ व्यवहार लागू होगा तो असद्भूत व्यवहार लागू होगा, एक ही वस्तु होगी तो सद्भूत व्यवहार लागू होगा। ठीक है, देखो व्यवहार नहीं के दो भेद हैं, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। उनमें से एक ही वस्तु में भेद व्यवहार करने वाला सद्भूत व्यवहार है और भिन्न वस्तुओं में अभेद व्यवहार करने वाला असद्भूत व्यवहार नहीं है। सद्भूत व्यवहार नय अनंत धर्मात्मक एक अखंड वस्तु में गुणों धर्मों स्वभावों व पर्यायों के आधार पर भेद करता है। कौन? सद्भूत व्यवहार नय कहाँ कहाँ भेद कर रहा है? अनंत धर्मात्मक अखंड वस्तु है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है, उस वस्तु में गुण धर्म स्वभाव पर्यायों के आधार पर भेद करता है। अस्तित्व वस्तुत्वादी आत्मा में सामान्य गुण हैं, तो ये जो भेद किया, विशेष गुणों के आधार पर ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण हैं, शक्तियों के आधार पर जीवत्व शक्ति चिति शक्ति दर्शी शक्ति आदि शक्तियाँ हैं, धर्मों के आधार पर नित्य अनित्य एक अनेक भेद अभेद आदि धर्म हैं, तो ऐसे सब अपेक्षाओं से कथन हो सकता है? पर्यायों की अपेक्षा से कथन करेंगे तो वर्तमान में मति श्रुति ज्ञान पर्याय है, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन है या सम्यक परिणमन है, तो इस तरह के कथन किए जा सकते हैं। देखो अर्थात भेद करके वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करता है। ये कौन सा व्यवहार नहीं हुआ? सद्भूत व्यवहार नहीं। वे गुण धर्म आदि सद्भूत हैं अर्थात उस वस्तु में विद्यमान हैं, उस वस्तु के ही गुण धर्म हैं जिसमें कि यह नय बता रहा है, इस कारण तो इसे सद्भूत कहा जाता है। अखंड वस्तु में गुण धर्मादिक का के आधार पर भेद उत्पन्न करता है, इस कारण व्यवहार कहा जाता है, और भेदाभेद रूप वस्तु के भेदांश को ग्रहण करने वाला होने से नय कहा जाता है। ठीक है ना, इन्होंने तीन तरह की बातें यहाँ कह दी। सद्भूत किस लिए कहा गया? एक ही वस्तु में है और उनमें भेद उत्पन्न किया इसलिए व्यवहार कहा गया, और यह जो ग्रहण किया गया है यह वस्तु का एक ही अंश ग्रहण किया गया है इसलिए नय कहा गया है। आप लोगों से भी यदि सद्भूत व्यवहार नय इसके बारे में पूछा जाए, और ये पद्धति तो बहुत अच्छी है किसी भी विषय के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, जब भी किसी विषय के संदर्भ में आपको बोलना हो तो आप उन शब्दों को देखो, उन शब्दों के अर्थ देखो, वो जो शब्द मिला है उस पूरे शब्द में क्या क्या अक्षर प्रयोग किए गए हैं
उनको देखकर उसका अर्थ निकालने का प्रयास करो तो आप उस विषय का स्पष्टीकरण अच्छे से कर पाओगे। तो अभी हमने एक व्यवहार नय का नाम बतलाया, सद्भूत व्यवहार नय। तो इसमें तीन शब्द हैं, एक सद्भूत शब्द है, एक व्यवहार शब्द है, एक नय शब्द है। तो तीनों शब्द किसी न किसी एक अलग बात को बतलाते होंगे ना। क्या भाई, समझ लो आप, जो भी किसी के लिए शब्द प्रयोग किया गया, ठीक है, जैसे मंथन किरण भाई गाला मुंबई, तो ये इतना नाम लिया, तो इतना नाम लेने पर जो चार शब्द प्रयोग किए गए, ये चारों शब्द अलग अलग बात को बतलाने वाले हैं। रामजी भाई वाणेक्षण दोषी सोनगढ़ हिम्मतनगर, ऐसे जो प्रयोग किए किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ में, तो पूरा नाम, डॉक्टर संजीव गोधा जयपुर, तो बतलाता है ना डॉक्टर किस लिए लगाया है, संजीव किस लिए लगाया है, गोधा गोत्र को बतलाता है, जयपुर उनके निवास नगर को बतलाता है। तो हर शब्द का एक अपना अलग महत्व है। इसी तरह से यहाँ प्रयोग किया सद्भूत व्यवहार नय, तो सद्भूत सद वस्तु को बतलाता है, भूत वस्तु में होने को बतलाता है। तो सद्भूत माने वस्तु की मर्यादा के भीतर है, इतना बतलाने के लिए सद्भूत कहा गया। फिर वो भेद करके देखता है, इसलिए व्यवहार कहा गया, और उन भेदों को देखने पर भी एक अंश को देखा गया है, इसलिए नय कहा गया है। तो ऐसे प्रयोग करके बतला रहे हैं, यहाँ तीनों बातों का स्पष्टीकरण हुआ। सद्भूत व्यवहार नय कहकर के क्या कहना चाहते हैं, इस प्रकार सद्भूत व्यवहार नय संज्ञा सार्थक है। असद्भूत व्यवहार नय भिन्न द्रव्यों में संयोग संबंध आदि के आधार पर अभेद बताकर वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करता है। क्या कहा, असद्भूत व्यवहार नय ने क्या काम किया, तो कह रहा है भिन्न वस्तुओं में संयोग संबंध, ये किताब मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, ठीक है ना, ये हमारे हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा परिवार है, ये संस्था हमारी है, तो ऐसा कहना ये संयोगों के आधार पर किए गए कथन है, उन्हें अपना कहना, उनका कर्ता धर्ता कहना भी हो सकता है। इस परम भाव प्रकाशक नए चक्र के रचयिता डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल हैं, तो ऐसा कहना, वो यहाँ के निर्देशक हैं, वो यहाँ के महामंत्री हैं, तो ऐसे जो प्रयोग किए गए, ये सब प्रयोग समय सार आचार्य कुंद कुंद की रचना है, गोमट सार नेमीचंद्राचार्य के द्वारा रचा गया है, तो उनसे पूछो कि उन्होंने इसकी रचना की है क्या, अमृत चंद्र स्वामी से पूछो तो वो क्या कहते हैं, इसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, है ना, अपने स्वरूप में मग्न रहने वाला अमृत चंद्र का इस टीका के रचने में कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। तो स्वामी आप कह रहे हो आपकी लिखी हुई नहीं है, दुनिया कहती है आपकी लिखी हुई है, तो आपकी नहीं है तो आप ही बता दो किसकी लिखी हुई है, कागज मसी अक्षर आकार लिखिया अर्थ प्रकाशन हार, टोडरमल जी कहते हैं ऐसा। तो ये सब दो बातें वहां लागू होती है, जहां असद्भूत व्यवहार नय की दृष्टि से देखेंगे वहां भिन्न भिन्न को कर्ता कह देंगे, ये इनका करता है, ये इनका करता है, ये सब कथन असद्भूत व्यवहार नय के होंगे, इन्हें संयोगों के आधार पर कहा गया। बोलो, वस्तु के किसी, मैंने पहले भी कही थी आपसे ये बात, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक और निश्चय व्यवहार में जब मैंने अंतर बतलाए थे, आपको ध्यान होगा, तब मैंने कहा था निश्चय व्यवहार नय जो है ये वस्तु के अंश को ग्रहण करे ऐसा नहीं है, एक वस्तु में ही लागू हों ऐसा भी नहीं है, क्योंकि असद्भूत व्यवहार नय जो है ये भिन्न भिन्न वस्तुओं में भी लागू हो जाते हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय तो नियम से वस्तु के अंश में लागू होंगे, लेकिन निश्चय व्यवहार नय उसी में लागू हों ऐसा नहीं है। अभी देखो आप, न केवल व्यवहार नय, निश्चय नय भी तो, देह चेतन एक है, ये वचन है व्यवहार का, और ये एक हो सकते नहीं। अब ये परमार्थ ने कथन किया निश्चय नय ने कि शरीर और आत्मा एक नहीं हो सकते, अब निश्चय नय ने भी तो किसी वस्तु के अंश को ग्रहण नहीं किया, भेद डाल करके देखा है, भिन्न भिन्न वस्तुओं में भेद डाल करके देखा है, अब बतलाओ कौन से वस्तु के अंश को ग्रहण किया, तो कोई वस्तु अंश ग्रहण नहीं करने में आया है, बस इतना है। फिर नए क्यों कहा इनको, कि नए इसलिए कहा कि ये एक दृष्टिकोण है,
वस्तु के अंश को ग्रहण तो नहीं किया है, लेकिन अंश रूप दृष्टिकोण विषय करने में आया है। सारी बातें विषय करने में नहीं आई है। जो चर्चा हम कर रहे हैं वो चर्चा सर्वांगीण नहीं है, वो चर्चा एक पक्षीय चर्चा है, इसलिए नए कहा गया उसके लिए। ठीक है, कठिन तो नहीं है बात, सब सरल सरल है ही, बहुत सरल। नए चक्री बहुत सरल है, पहले तो बहुत हवा चला करता था नए चक्र के नाम पर शिविरों में भी। 15-20 साल पुरानी बात कहता हूँ मैं, लोग नए चक्र की कक्षा में बैठने से डरते थे, नए चक्र को पढ़ने सुनने से डरते थे, घबराते थे बहुत। फिर जब शुरू किया उसको सरल भाषा में समझाना तो लोगों को लगने लगा नए चक्र सरल कठिन नहीं है। अभी भी गांव-गांव में लोग डरते हैं नयों के प्रयोग से, नए चक्र तो कठिन काम है ऐसा समझते हैं। आप लोगों को तो नहीं लगता है ना, बिल्कुल नहीं लगता है ना कठिन? हाँ बहुत सरल है। रमन से पूछूं? अच्छा ठीक है, गायक को तो सरल लगता है। अरे रमन का नाम लेते तुम लोग हंसते क्यों हो सब इतना? वार्डन है इसलिए, अधीक्षक है, भाई है, चलो कोई बात नहीं। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन इसको अपन वक्तव्य नए का विषय नहीं कह सकते, इसलिए मैं उस बात को हाईलाइट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वहां जो विवक्षाएं बतलाई थी ना, जैसे आत्मा, आत्मा शब्द से वाच्य होने रूप सामर्थ्य आत्मा में है, तो ऐसा एक नाम नामक धर्म है, उसमें नाम नामक धर्म की चर्चा की, वक्तव्य अवक्तव्य नयों में चर्चा की। यद्यपि वक्तव्य नाम का कोई नए नहीं बतलाया, लेकिन नए सभी वक्तव्य ही हैं वचनात्मक अपेक्षा से देखी जाए तो। लेकिन यदि अवक्तव्य पने की अपेक्षा से देखें तो वस्तु को शब्दों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता, ऐसी योग्यता वस्तु में मौजूद है। अभी उन बातों को अपन यहां लगाएं तो वो नहीं लगेगा। माने हम ये कहें कि शरीर के संबंध से कथन किया जा सकने रूप योग्यता मौजूद है और उस योग्यता को ग्रहण करने वाले नए को हम व्यवहार नए कहेंगे, वो नहीं चलेगी यहाँ, क्योंकि व्यवहार ने उस योग्यता को ग्रहण नहीं कर रहा, व्यवहार ने तो शरीर आत्मा को एक देखने वाले दृष्टिकोण को ग्रहण कर रहा है। आत्मा में ऐसी कोई योग्यता नहीं कि वो शरीर आदि का कार्य करे। बोलो है कोई आत्मा में ऐसी शक्ति परद्रव्य का कार्य करे? तो परद्रव्य का कार्य करे ऐसी तो कोई शक्ति नहीं है, फिर भी परद्रव्य का कर्ता धर्ता कहना या असद्भूत व्यवहार नए का काम है, ऐसा है एक दृष्टिकोण, बस इतना ही समझिए आप। और इसीलिए क्योंकि अपने को जब हम निश्चय नए के समीप जाकर के देखते हैं या सद्भूत व्यवहार नए के समीप जाकर के देखते हैं या वस्तु स्वरूप के समीप दृष्टि दे करके देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये तो झूठी बात है, ये जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता है ही नहीं तो ऐसे व्यवहार का क्या मतलब है। तो पंचाध्यायीकार ने उस बात को हाईलाइट करते हुए उसे व्यवहार मानने से ही इनकार कर दिया, यानी कि ये व्यवहार ही नहीं है, हम नहीं मानते इसको, व्यवहाराभास है, नयाभास है। चार प्रकार के नयाभास कहे पांडे राजमल जी ने, करेंगे अपन चर्चा उनकी जब आएगा प्रसंग तब। अभी देखिए 116 पेज पर नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, है ना। जैसे चारित्र गुण की विकारी पर्याय जैसे राग द्वेष आदि है, ऐसे अमूर्तत्व धर्म की विकारी अवस्था शरीर आदि को ऐसा नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि प्रमाण से बाहर हो गई ये बात, प्रमाण की मर्यादा के बाहर है, इसलिए ये बात लागू नहीं होगी। प्रमाण के बाहर आप गए तो वो बात असद्भूत की श्रेणी में ही आएगी बस, और वो बात लगाना ही नहीं यहाँ। अभी आला पद्धति में भी कहा है अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्य अन्यत्र समारोपण रोपणम असद्भूत व्यवहार है। क्या कहा? अन्यत्र प्रसिद्धस्य, जो अन्य प्रसिद्ध हैं, दूसरी जगह पर जो प्रसिद्ध हैं,
ऐसे धर्मों का धर्मस्य अन्यत्र समारोपणम, दूसरी जगह पर समारोपण करना असद्भूत व्यवहार है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ठिगना हूँ, मैं मोटा पतला हूँ, ये क्या कहा? ये देखो, अन्य वस्तु के जो गुणधर्म थे, शरीर के गुणधर्म थे ये सब, और उनका समारोपण करके मैंने अपने आप को मोटा पतला गोरा काला समझ लिया। तो अन्य द्रव्य के गुणधर्म को अन्य द्रव्य के गुणधर्म कहना ये असद्भूत व्यवहार नहीं कहलाता है। ठीक है, आगे चलो। इसे असत्य आरोप करने के कारण असद्भूत। अब देखो असद्भूत क्यों कह रहे हैं, जैसे पिछले पेज पर सद्भूत व्यवहार नए इसकी व्याख्या की थी, उसी प्रकार यहां कह रहे हैं असत्य आरोप किया, झूठा आरोप किया। काम तो था भाषा वर्गणा का, और तुमने कहा मैं बोलता हूं, मैंने समझाया, तो यह असत्य आरोप है, झूठा आरोप है, इसलिए तो असद्भूत कह रहे हैं। भिन्न द्रव्यों में संबंध जोड़ने के कारण व्यवहार कहा, और संयोग का ज्ञान कराने वाले सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश होने से नए कहा जाता है। नए क्यों कहा? सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है, संयोग का ज्ञान कराया गया है, ऐसा दृष्टिकोण है, इस प्रकार इसका नाम असद्भूत व्यवहार नए सार्थक है। इस संदर्भ में शुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी के विचार द्रष्टव्य हैं। नए दर्पण का उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किया। व्यवहार नए के दो प्रमुख लक्षणों पर से यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि व्यवहार नए दो प्रकार का है। एक तो अखंड वस्तु में भेद डालकर एक को अनेक भेदों रूप देखने वाला, क्या कहा? अंडरलाइन कर सकते हैं, अपने उपयोग में स्मरण कर सकते हैं। एक तो अखंड वस्तु में भेद डालकर एक को अनेक भेदों रूप देखने वाला, एक को अनेक, ये सुंदर भाषा है, उपयोग में रहे ऐसी, एक को अनेक रूप देखने वाला। और दूसरा, अनेक वस्तुओं में परस्पर एकत्व देखने वाला, एक को अनेक देखा और अनेक को एक देखा, एकता में अनेकता और अनेकता में एकता। व्यवहार नए, एक में अनेकता, ये सद्भूत व्यवहार नए है, और अनेकता में एकता, यह असद्भूत व्यवहार नए। ठीक है ना? एक ही व्यक्ति जिनेन्द्र में बहुत सारे गुण हैं, ऐसा कहा हमने, जितेंद्र, जिनेन्द्र, जिनेन्द्र बहुत सारे गुण हैं, ये सद्भूत व्यवहार नए हो गया। और इसके गुणों में हमने ये बात भी शामिल कर दी कि ये महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो असद्भूत व्यवहार लागू हो गया। अनेकता में एकता देख लो, चाहे एकता में अनेकता देख लो, पहले प्रकार का व्यवहार सद्भूत कहलाता है, क्योंकि वस्तु के गुण पर्याय सचमुच ही उस वस्तु के अंग हैं, सच में वो उस वस्तु के अंग हैं। दूसरे प्रकार का व्यवहार असद्भूत कहलाता है, क्योंकि अनेक वस्तुओं की एकता सिद्धांत विरुद्ध व असत्य है। सद्भूत और असद्भूत व्यवहार नहीं की विषय वस्तु स्पष्ट करते हुए आलाप पद्धतिकार लिखते हैं। क्या लिखा आलाप पद्धतिकार ने, देखो पढ़ते हैं अपन। कॉलेज जाना है आप लोगों, रोज जाते हो तुम लोग, हम तो जाते ही नहीं थे। अच्छा ठीक है, ठीक। क्या नहीं नहीं मिलते थे, बस हम क्यों कहेंगे जाने के लिए, भैया आज तक नहीं कही हमने, क्यों हमें डर लगता है किसी से? क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, देखो 117 पेज पर आगे। गुण गुणी में, पर्याय पर्यायी में, स्वभाव स्वभाववान में, और कारक कारकवान में भेद करना। कितने तरह से भेद बतला दिए इन्होंने यहां। गुण गुणी में भेद करो, ज्ञान गुण है और ज्ञानी, ज्ञान स्वभावी, ई गुणी है, आत्मा है। ऐसे पर्याय पर्यायवान में भेद करो, हैं, स्वभाव स्वभाववान में, कारक कारकवान में, माने जहां भी भेद करके देखा गया वो सब क्या होंगे? व्यवहार।
अर्थात वस्तुतः जो अभिन्न है, मतलब ऐसे ज्ञान और दर्शन ऐसे कोई अलग अलग नहीं हो सकते। ज्ञान और दर्शन, चारित्र, सुख, वीर आदि जो आत्मा में अनंत गुण है, इन गुणों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसा हो नहीं सकता आत्मा में रहने वाले ये सब गुण, धर्म, स्वभाव, स्वभाववान, पर्याय, पर्यायी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि पर्याय को निकाल करके अलग कर दिया जाए। पर्याय तो उसका ही पार्ट है, अंश, अंश भी कह सकते हैं उसको अपन, कहीं कहीं अंश कहकर के भी पुकारेंगे, उसके स्वरूप में शामिल है। माने दृष्टि के विषय की भी चर्चा करो तो भी पर्याय वहां मौजूद है, भले विषय में नहीं हो, विषय करने वाले के रूप में सही, पर्याय को निकाला तो नहीं जा सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उस पर्याय को निकाल दिया गया कि साहब दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है। अरे दृष्टि के विषय में नहीं है, दृष्टि तो खुद पर्याय है। दृष्टि कौन है? दृष्टि जो है वही तो पर्याय है। श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है दृष्टि, और श्रद्धा गुण की पर्याय का विषय जो बने वो है दृष्टि का विषय, जो बनाने योग्य है। उनमें भेद व्यवहार करना, जितनी बातें यहां कही वो सद्भूत व्यवहार नय का अर्थ है, माने विषय है। इन सबको सद्भूत व्यवहार नय का विषय कहा गया। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का उपचार, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का उपचार, एक गुण में दूसरे गुण का उपचार, द्रव्य में गुण का उपचार, द्रव्य में पर्याय का उपचार, गुण में द्रव्य का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार, पर्याय में द्रव्य का उपचार और पर्याय में गुण का उपचार, इस प्रकार 9 प्रकार का असद्भूत व्यवहार नय का अर्थ जानना चाहिए। 9 बता सकते हैं? द्रव्य गुण पर्याय का परस्पर में बतला दिया, आपके खड़े होते हुए हाथ बतला रहे हैं कि स्पष्ट हो गई बात भाई, एक को खड़ा कर लो और बाकी उपचार बतला दो। द्रव्य को हाईलाइट करो पहले, तो द्रव्य का द्रव्य में, द्रव्य का गुण में, द्रव्य का पर्याय में। इसी तरह से गुण ले लो तो गुण का गुण में, गुण का द्रव्य में और गुण का पर्याय में। ऐसे पर्याय की बात कर लो, पर्याय का पर्याय में, पर्याय का द्रव्य में और पर्याय का गुण में। 9 प्रकार के उपचारों को असद्भूत व्यवहार कह करके पुकारा है इन्होंने। यद्यपि ये असद्भूत व्यवहार इन्होंने कहा है, लेकिन ये ऐसा लगता है एक ही द्रव्य गुण पर्यायों की यदि चर्चा कर रहे हैं तो सद्भूत व्यवहार नहीं लागू होगा, लेकिन इनको पंचाध्यायीकार ने असद्भूत भी कह करके पुकारा है, इन्हीं को असद्भूत कहा है। सद्भूत और असद्भूत दोनों ही व्यवहार नये अनुपचरित और उपचरित के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार व्यवहार नये 4 प्रकार का माना गया है। वे 4 प्रकार निम्नानुसार हैं, याद है सभी को इनके भेद? बोलो। अतद भाव है, अभाव है, उनमें नहीं लागू होगा क्योंकि भेद देख रहे हैं ना अपन। लेकिन एक ही वस्तु है, जब ऐसा देखेंगे एक गुण को दूसरे गुण से भिन्न देखना तो व्यवहार है, लेकिन एक गुण का दूसरे गुण में संबंध बताकर कि ज्ञान का दर्शन के साथ तो संबंध है लेकिन ज्ञान का स्पर्श रस गंध वर्ण से संबंध नहीं है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण से संबंध भेद देखना वो तो हो गया सद्भूत व्यवहार। असद्भूत व्यवहार उनमें भेद देखना और अपने में भेद देखना ये हो गया सद्भूत व्यवहार। लेकिन अभी इसको दूसरा निश्चय लगाओ तो पर से भेद देखने को हम निश्चय भी कहते हैं। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है परमार्थ से, ये एक हो सकते नहीं, वो निश्चय हो गया। और अपने ही गुण पर्यायों में अभेदता देखना वो निश्चय कथन है, वो भी निश्चय का कथन हो गया। माने सब तरह के कथन होते हैं, सावधानी रख करके हमें देखना पड़ेगा कहाँ किस प्रकार का कथन लागू होगा। देखो अब सद्भूत व्यवहार नहीं के दो भेद, पहले सद्भूत और असद्भूत दो तो याद ही हैं अपने को। अब सद्भूत के पहले दो शब्द लगाने हैं, एक अनुपचरित और एक उपचरित। माने अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नये, अब उपचरित लगा दो, उपचरित सद्भूत व्यवहार नये। असद्भूत के साथ में लगाओ अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नये, दूसरा उपचरित असद्भूत व्यवहार नये। थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके देखेंगे, कठिन नहीं है, समझ में आती है बात। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नये को शुद्ध सद्भूत व्यवहार नये, ये नया नाम आ गया है, नया नाम दे दिया गया यहां। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नये, क्या कहा इसको? शुद्ध सद्भूत व्यवहार नये।
तथा उपचरित सद्भूत व्यवहार नय को अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय भी कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है, जैसा शुद्ध और अशुद्ध शब्द का स्पष्टीकरण या शुद्ध और अशुद्ध शब्द का प्रयोग सद्भूत व्यवहार नय के भेदों के साथ में किया है, वैसा असद्भूत के भेदों में लागू नहीं करते। शुद्ध असद्भूत, अशुद्ध असद्भूत, ऐसा नहीं। अनुपचरित सद्भूत को तो शुद्ध सद्भूत कह दिया और उपचरित सद्भूत को अशुद्ध सद्भूत कह दिया। समझ में आ रही है बात? अभी जब इनकी परिभाषाएं देखेंगे ना तो शुद्धता अशुद्धता का भी स्पष्टीकरण हो जाएगा, इसको शुद्ध क्यों कहा और इसको अशुद्ध क्यों कहा। उक्त संपूर्ण स्थिति को हम निम्नलिखित चार्ट द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। चार्ट दे दिया है यहाँ, व्यवहार नय दो भेद कर दिए, सद्भूत व्यवहार, फिर दूसरा असद्भूत व्यवहार, फिर उसके बाद में कहा सद्भूत व्यवहार नय के दो भेद हो गए हैं। सद्भूत व्यवहार नय के भेदों को बतलाते हुए कह दिया अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय और उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, तो इस तरह से तो ये सद्भूत व्यवहार नय की बात कही। फिर असद्भूत व्यवहार नय की बात करते हुए असद्भूत व्यवहार नय के संदर्भ में कह दिया अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। लेकिन देखिए, जहाँ इन्होंने अनुपचरित सद्भूत कहा था वहाँ अथवा कहकर के या कहकर के शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने घटित किया, और जहाँ उपचरित सद्भूत व्यवहार ने कहा था वहाँ उसको अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने भी कह दिया। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सद्भूत व्यवहार ने के दो भेद भी हो सकते हैं, एक शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने और एक अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने। मतलब ये इतने प्रचलित नहीं है, शुद्ध सद्भूत व्यवहार और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ये इतने प्रचलित शब्द नहीं है। प्रचलित तो वही है अनुपचरित और उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, ठीक है। तो अब यहाँ व्यवहार ने के उक्त चारों भेदों के स्वरूप एवं उनकी विषय वस्तु के संबंध में जिनागम के आलोक में विस्तृत विचार अपेक्षित है। ये प्रकरण यहाँ से शुरू कर रहे हैं जिसमें इनकी बहुत सुंदर परिभाषाएं बतलाई है चारों प्रकार के व्यवहार नयों के संदर्भ में। कल कोशिश करेंगे अपन कि इन चारों प्रकार के व्यवहार नयों की परिभाषा को पूरा कर लें, ठीक है। चलो, महावीर भगवान की।